हादसे के बाद ड्राइवर वहां से भागे और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नए कानून में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के फरार होने पर 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए का जुर्माना। सूरत में ड्राइवर्स की हड़ताल से बसों के पहिए थम गए हैं। ड्राइवर्स ने कहा, हम पर तय सीमा में सफर करने का दबाव रहता है, ऐसे में हादसे तो होंगे ही, कई बार दूसरों की गलती से भी हादसे होते हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लग गई है, पेट्रोल की कमी हो गई है। ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल सप्लाई में खतरे के बादल। जमशेदपुर में भी ड्राइवर्स ने सड़क पर धरना प्रदर्शन दिया, 1 घंटे तक वहां पर अफरा तफरी मची रही, ट्रैफिक जाम रहा। टैंकर ड्राइवर्स भी हड़ताल पर आए, हड़ताल की खबर फैलने पर लातूर में अफरा तफरी मच गई, पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ गई, लोगों में अधिक से अधिक पेट्रोल भरवाने की होड़ मच गई। हरियाणा के जींद में भी ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया, यातायात पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। हिट एंड रन कानून के विरोध में उधम सिंह नगर में कमर्शियल ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया, गाड़ियों के नहीं चलने से आम लोग परेशान हुए। करौली जिले में दूसरे दिन भी निजी बसों का संचालन बंद रहा, ड्राइवर्स की हड़ताल से बस स्टैंड पर खड़ी रही बसें, लोग परेशान रहे। अयोध्या में गर्भगृह में स्थापित होने वाली राम की प्रतिमा पर सस्पेंस, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय बोली, मैं मूर्ति के चयन पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। पहले अयोध्या में गर्भगृह में स्थापना के लिए कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण की बनाई मूर्ति के चयन की आई थी खबर, लेकिन अब बना सस्पेंस। पत्नी ने कहा, अभी तक नहीं मिली ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। We are very honored and the overwhelming response which we are getting, we are very, very, very thankful to the entire nation. प्रतिमा चयनित होने की आ रही खबरों पर योगीराज अरुण का परिवार हुआ भावुक, कलाकार की मां ने कहा, धन्य हो गया हमारा जीवन। गर्भगृह में स्थापित होने वाली राम की प्रतिमा में बाल स्वरूप में विराजेंगे राम, लखन के साथ बैठे दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने योगीराज अरुण को दी बधाई, भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर साझा की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने योगीराज अरुण को कहा हनुमान, कहा वो कर्नाटक के हैं। अयोध्या में गर्भगृह में पूजन में शामिल होने पंडित सुनील दीक्षित ने बताया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में पीएम मोदी रहेंगे और 10-12 लोग। पंडित सुनील दीक्षित के अनुसार 22 जनवरी को अयोध्या में गर्भगृह में करीब 40 मिनट का होगा पूजन कार्य, इसमें पीएम मोदी के साथ और भी लोग। ट्रस्ट के सभी जितने ट्रस्टीगण हैं उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाएगा वो लोग उस समय उपस्थित रहेंगे गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लखनऊ से शुरू हुआ अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम, हिंदू परिषद और संघ कार्यकर्ता हर घर जाकर बांट रहे हैं अक्षत। सीएम योगी का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष पर हमला, कुछ लोगों को अयोध्या का नाम लेने में परेशानी थी, अब न्योते का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। सीएम योगी बोले, 30 दिसंबर को पीएम के अयोध्या आगमन पर सड़कों और रेल सेवा में हुआ था अमूलचूल सुधार, 22 जनवरी को अयोध्या आने पर आपको त्रेता युग की याद आई। मोतिहारी से अयोध्या जाने को तैयार अश्वमेघ का घोड़ा, शंभुनाथ सिकरिया ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कराया था अश्वमेध यज्ञ, अब जताई घोड़ा अयोध्या जाए इच्छा। राम मंदिर पर बुकलेट जारी करेगी बीजेपी, बुकलेट में संघ और बीजेपी के योगदान का होगा उल्लेख। सीएम योगी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन पर लखनऊ में की बड़ी बैठक, कहा स्वच्छता और सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता। कड़ाके की ठंड के बीच प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन, इसलिए रैन बसेरों पर जोर, अयोध्या में निषाद राज के नाम पर बनाए जाएंगे रैन बसे। अयोध्या में परमहंस दास ने जलाए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पोस्टर, 300 कार सेवकों की गिरफ्तारी की लिस्ट बनाए जाने का आरोप। आज हमने जो है तो कर्नाटक के
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हमने यहाँ पुतला दान किया है। और मैं मांग करता हूँ अयोध्या से, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मांग करता हूँ कि कर्नाटक में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सिद्धारमैया को हटाया जाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में बीजेपी ने की बड़ी बैठक, मीटिंग में जेपी नड्डा अमित शाह भी रहे। राम मंदिर में निर्णय को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का बयान, अयोध्या का निर्णय जजों की सर्वसम्मति से। AIMIM अध्यक्ष ओबीसी का विवादित बयान, दिल्ली की सुरहनी मस्जिद का जिक्र करते हुए बोले, अपनी शक्ति बरकरार रखो, मस्जिदों को आबाद रखो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी का भड़काऊ बयान, मुसलमानों से बोले कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छिन जाएं। लोकसभा चुनाव पर जेपी नड्डा का रणनीतिक मंथन, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक, मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हेमंत विश्व शर्मा मौजूद। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पटना में लगवाए विवादित पोस्टर, राम मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का रास्ता, पटना में लालू राबड़ी के घर भी लगे यही पोस्टर। राम मंदिर पर विवादित पोस्टर के बाद सहयोगी जेडीयू के सख्त तेवर, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले ऐसे पोस्टर के बाद हिंदुओं के घर कैसे जाओगे वोट मांगने। पटना में लालू राबड़ी के घर के बाहर पोस्टर लगाने वाले विधायक बोले मैं हिंदू नहीं शूद्र हूं, जेडीयू ने दोहरा मापदंड बताया। कांग्रेस नेता उदित राज का राम मंदिर पर विवादित बयान, मंदिर निर्माण को 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी बताया। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का जवाब, जब इंडिया गठबंधन का ध्वज दिल्ली में लहराएगा उसी दिन राम आएंगे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अंजनेया ने भगवान राम से की सिद्धरमैया की तुलना, बोले सिद्धरमैया हमारे भगवान हैं, फिर हम अयोध्या जाकर उस राम की पूजा क्यों करें। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखा, 22 जनवरी को सार्वजनिक सरकारी छुट्टी की मांग। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर तनातनी, ममता सरकार में मंत्री का आरोप, अधीर दिल्ली में कुछ कहते हैं कोलकाता में कुछ। लेफ्ट सूत्रों की खबर, इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हलचल, 2-3 दिनों में फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान, भविष्य के रोड मैप पर चर्चा। आज से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, त्रिची के BDU के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, मेधावी छात्रों को किया गया सम्मान। दीक्षांत समारोह में बोले मोदी, देश की दिशा देने में विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान। दीक्षांत समारोह में छात्रों से बोले मोदी, आप ऐसे समय में दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हर क्षेत्र में हर कोई आपकी तरफ उम्मीद से देखता है। पीएम ने केंद्र की गिनाई उपलब्धियां, बोले 10 वर्षों में विकास कार्यों में तेजी, अब 2 गुनी हवाई अड्डों की हमने संख्या कर दी। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी की खड़गे ने बुलाई बैठक, बंटवारे पर चर्चा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान, दिल्ली पंजाब बंगाल में तनातनी। पंजाब के CM भगवंत मान के सख्त तेवर, कहा पंजाब और दिल्ली में कभी कांग्रेस थी अब नहीं। बंगाल में TMC और अधीर रंजन में खींचतान, सीट बंटवारे को लेकर जुबानी युद्ध। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में बयानबाजी, उद्धव और शरद गुट की बड़ी दावेदारी, प्रकाश अंबेडकर की हो सकती है एंट्री। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार की कंपनी को CBI का नोटिस, 11 जनवरी को पेश होने का आदेश। CBI के नोटिस पर बोले DK शिवकुमार, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी। DK की कंपनी पर निवेश को लेकर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है, कांग्रेस ने कहा राजनीति से प्रेरित। कंपनी को CBI नोटिस पर DK ने कहा बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। कनाडा को विदेश मंत्री जयशंकर का सख्त संदेश, खालिस्तानी शक्तियों को पनाह देना रिश्तों के लिए हानिकारक।
गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के विरुद्ध बड़ा एक्शन, मोदी सरकार ने घोषित किया आतंकवादी। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के आरोपी ललित झा को अदालत में पेश किया गया पॉलीग्राफी टेस्ट पर याचिका। दिल्ली एनसीआर से हटाया गया ग्राप 3, बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू किया गया था नियम। औली में पर्यटकों की भीड़, जोशीमठ से औली तक सड़क मार्ग पर जाम के साथ लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन। उत्तराखंड के कई इलाकों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में बढ़ गई है ठंड, जयपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे के कारण सर्दी का सितम झेल रहे हैं लोग, विजिबिलिटी जीरो, गाड़ियों की रफ्तार थमी। कानपुर में जबरदस्त ठंड, अलाव बने हैं लोगों का सहारा। आज अलीगढ़ का घने कोहरे से सुबह सुबह सामना हुआ, सर्दी का जबरदस्त सितम है, आग तापने को मजबूर है लोग। मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड में रैन बसेरों में बड़ी कामगारों की संख्या, रोजमर्रा का ठंड पर असर। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच फुल हुए रैन बसेरे, कामकाज में रुकावट। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे ई स्टैंप, 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हुआ शुरू। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, देश में कोरोना के कुल मरीज 197। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लेह में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना किया गया जरूरी, जिला प्रशासन का निर्णय। साल के पहले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का ने लिया गणपति बप्पा का आशीर्वाद, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रामगढ़ में बड़ी संख्या में नववर्ष मनाने पहुंचे विदेशी पर्यटक, मंदिरों में दर्शन किए, जमीन पर बैठकर प्रसाद खाया। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे का यातायात पर असर हुआ है, लखनऊ पटियाला अजमेर में जीरो विजिबिलिटी देखी गई। यूपी के चंदौली में घना कोहरा छाया हुआ है, सुबह सुबह जीरो विजिबिलिटी से यात्रियों को परेशानी हुई। बागपत में छेड़छाड़ी के विरोध पर आरोपियों ने लड़की को खोलते गन्ने के रस से भरी कड़ाही में फेंक दिया, लड़की की स्थिति बेहद गंभीर, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। बीएचयू रेपकांड में चश्मदीद का खुलासा, जहां हुई वारदात वहां पर सीसीटीवी कैमरा लेकिन फुटेज अखायर। सुकमा में 2 लाख की इनामी नक्सली पोडियामी सूढ़ी ने किया आत्मसमर्पण, त्यागा हथियार का रास्ता, मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय। मणिपुर में फिर से भड़क गई हिंसा, पुलिस पर कुकी उग्रवादियों ने जानलेवा हमला कर दिया। संगरूर में तैनात डीएसपी का जालंधर में शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जोश उत्साह के साथ रिहर्सल करते दिखे जवान। राजौरी में शहरी क्षेत्रों को लेकर जोर शोर से चल रहा है निर्माण कार्य, विकास बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने का प्रयास। बदायूं से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी प्रेमिका दोनों को मार डाला, पिता ने खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर दिया। बिहार के बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत। कानपुर में युवक युवती ने अपनी पति पर धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद की आत्महत्या। अगरतला में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे को घर में आग लगाकर मारने का प्रयास किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेलंगाना के मुलुगु में अयप्पा भक्तों को बैरी नरेश की कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 14 गांव के किसानों की महापंचायत, जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चौथे चरण के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर विरोध।
नशे के विरुद्ध त्रिपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख से अधिक भांग के पौधे नष्ट किए। मध्य प्रदेश के पन्ना में NH 39 पर ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम, नए कानून का विरोध। नवसारी में चोरी हुए ब्रिटिश काल के सोने के सिक्कों के साथ 5 गिरफ्तार, गिरफ्तार मजदूरों ने सिक्कों को जमीन के अंदर गाड़कर छुपा दिया था। कानपुर देहात में महिला की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने लोगों से पूछताछ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान समेत 3 लोग घायल। खाटूश्याम दिल्ली धाम में नए वर्ष पर करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्तों को दर्शन के लिए लंबे समय तक करना पड़ा इंतजार।